मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। विशेष किस्म की दवाएं यहां पर हैं, ऐसी ऐसी अद्भुत दवाएं हैं जो आप कल्पना नहीं करें, काम ना करें आपकी कल्पना। मैं आज भी ऐसे बहुत वैद्यों को जानता हूं जिनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, जो स्कूल कॉलेज में भी नहीं गए हैं। आपकी नाड़ी अगर पकड़ ली तो बता देंगे सात दिन पहले से क्या क्या खा रहे हैं आप। और ज्यादा दूर नहीं है, इसी जयपुर शहर में उनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, वो सिर्फ नाड़ी पकड़ते हैं। मैं गया हूं दो बार, वो सात दिन पहले का मुझे बता दिया, पिछले रविवार को ये खाया, सोमवार को ये खाया, मंगल को ये खाया, बुध को ये खाया। ये भाई कौन सा विज्ञान है? ये तो दुनिया से करोड़ों रुपए खर्च करके लाई गई मशीनें नहीं बता पाती कि हफ्ते भर पहले हमने क्या खाया था। और नाड़ी पकड़ के सारा का सारा डायग्नोस कर लेना कि आपको यही है और वही निकले, ये तो कुछ अद्भुत है, ये कोई सामान्य विद्या नहीं है भाई। मैंने ऐसे तमाम वैद्यों को देखा है जो नाड़ी पकड़ के बताते हैं कि आपको ट्यूमर है, गर्भाशय में है, यहां है, यहां है। और हम जब आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में परीक्षण कराते हैं वही निकलता है। एक वैद्य तो मैंने ऐसे भी देखे हैं केरल में, कोटक्कला में, वो साइज बता देते हैं, इस साइज का है, नाड़ी पकड़ी और बता दिया इस साइज का है और वही निकलता है। इसका माने इस भारतीय विद्या में कोई दम है, और वो दम अगर हमको दिखाई दे जाए तो आत्मविश्वास हमारा लौट आएगा और हमारी हीन भावना कुछ कम हो जाएगी, और हीन भावना कम हो जाए तो हम शायद दुनिया जीत लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया वो सब कुछ हार गया। आप मन से हारना बंद कर दो, बहुत कुछ जीतने के लिए इस देश में। एक ताजा उदाहरण देता हूं, आजकल भारत में एक खराब बीमारी घुस गई है, चिकनगुनिया। लाखों लोग प्रभावित हैं। मैं 6 महीने से गांव-गांव घूम के उसका इलाज कर रहा हूं, और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, ज्यादा लोगों को इलाज में मैं एक ही बात बताता हूं, तुलसी का काढ़ा पी लो, नीम की गिलोय होती है ना उसको भी उसमें डाल लो, थोड़ा सूंठ डाल लो, थोड़ी छोटी पीपर डाल लो, बस ये 4-5 चीजें, और थोड़ा गुड़ डाल लो क्योंकि ये कड़वा इतना है कि पी नहीं पाओगे। इतने मात्र से 3 खुराक में बीमारी ठीक हो रही है। और जो एलोपैथी से कर रहे हैं ना, बोवेरॉन के 3-3 इंजेक्शन ठोक दो, डाइक्लोफेनेक दे दो और पैरासीटामोल भी दे दो, जो तुम्हारे पास है सब दे दो, 20-20 दिन से बिस्तर में पड़े तड़प रहे, 20-20 दिन से। अभी आज मैं आया भीलवाड़ा से, और आने का देरी का कारण भी यही है कि वहां 1 लाख लोग चिकनगुनिया से पीड़ित हैं। वहां डॉक्टर आते हैं, राजीव भाई जरा बताओ ना, मैंने कहा अपना इंजेक्शन खुद क्यों नहीं ठोक लेते, कहते हमें मालूम है इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो पेशेंट को क्यों नहीं बताते, इतने हरामखोर हो, तुम्हें मालूम है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, वोवेरॉन लगाएंगे तो क्या होने वाला है, मुंह में छाले हो जाएंगे, गले में छाले हो जाएंगे, अल्सर भी हो सकता है, तुम जानते हो, फिर पेशेंट को क्यों नहीं बताते, ये हरामखोरी तुम में कहां से आ गई। अपने को इंजेक्शन ठोकोगे नहीं, उसको ठोकते जाओ, तुम्हें मालूम नहीं है ठीक नहीं होगा, फिर पैरासीटामोल देते जाओ, डाइक्लोफेनेक देते जाओ, नोवलजिन के इंजेक्शन लगाते जाओ। और दुर्भाग्य से एलोपैथी ने ये सब नाम 20 साल पहले बैन कर दिए, वो कहते हैं डाइक्लोफेनेक खराब है, पैरासीटामोल तो और भी खराब है, नोवलजिन तो 1984 से बैन है यूरोप में और अमेरिका में, वो इंजेक्शन यहां ठोक रहे हैं लगातार। दुष्परिणाम है कि मरीज ठीक ही नहीं हो रहे। और मैं आपको मेरा अपना तजुर्बा बताता हूं, आप में से कुछ विद्यार्थी होम्योपैथी के हैं, आप जानते हैं कि होम्योपैथी की बहुत सारी दवाएं आयुर्वेद से ही निकली, तुलसी है ना उसी से ओसीमम है, ओसीमम की 3-3 खुराक देके कर्नाटक में 70,000 रोगियों को चलता कर दिया, और वो 20-20 दिन से एलोपैथी खा रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा है। ओसीमम 200 की 3 खुराक सफिशियंट,
और आदमी 20 दिन से तड़प रहा है बिस्तर में, न नींद आ रही है न चैन मिल रहा है, इतनी उल्टियां हो रही हैं, बुखार उतर नहीं रहा, सब तकलीफ है, 3 डोज दो खत्म कहानी, माने उसको फिर कुछ जरूरत ही नहीं। और फिर आज स्थिति यह है कि कर्नाटक सरकार ने हमारे ये कैंपों के रिजल्ट देखने के बाद अपने डायरेक्टर्स और जॉइंट डायरेक्टर सबको लाइन से लगा दिया, जाओ राजीव दीक्षित के पास सीखो उससे वो क्या दे रहा है और रिजल्ट क्यों आ रहे हैं। हमने 70,000 पेशेंट को दवा दी, 6 मरे और उन्होंने 1,22,000 को दी, उसमें से मुश्किल से 6 बचे। ये कर्नाटक का हाल है। कर्नाटक में चिकनगुनिया इतना बुरी तरह से फैला है, कोई गांव नहीं बचा जहां चिकनगुनिया ना हो। मेरी तो स्थिति यह है कि कार्यकर्ता कम पड़ गए, डॉक्टर कम पड़ गए। अगर मेरे पास 1,000-2,000 डॉक्टर होते तो हम कर्नाटक के उन लाखों लोगों को बचा लेते जो मर गए पिछले 6 महीने। महाराष्ट्र में भी यही है। रिजल्ट मिलते हैं उन दवाओं से तो भरोसा क्यों नहीं करें उनके ऊपर। ओसीमम तो तुलसी में से ही बनी है भाई, और तो क्या है, डाइल्यूशन फॉर्म में है, बस इतना ही तो है। और तुलसी का काढ़ा समझ लो मदर टिंचर फॉर्म है उसका, तो काढ़ा दे दो तो समझ लो मदर टिंचर दे दिया, और पोटेंसी में दिया तो डाइल्यूट करके दिया। और आप जानते हैं कि ये आयुर्वेद का ही सिद्धांत है कि औषधि की मात्रा जितनी कम रखो असर उतना ही अधिक है। होम्योपैथी तो इसी पे काम करती है। तो अपने विज्ञान में दम तो है, अपनी विद्या में दम तो है, बस इसका प्रचार करने की बात है। प्रचार कौन करेगा? आप करेंगे। और इसका सबसे सरल तरीका है वॉक 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 एंड टॉक टॉक टॉक, सबसे सरल तरीका। अगर आप इसका अपनी विद्याओं का प्रचार करना चाहते हैं, सरकार तो करेगी नहीं क्योंकि वो एलोपैथी के चंगुल में फंसी है। हमारी सरकार के 2 मंत्रियों का तो मेरा तजुर्बा है पिछले 6 साल में, जब जब मैं उनके पास गया स्वास्थ्य मंत्री को मिलने के लिए, वो कहते राजीव भाई ये सब हमको समझता है, कर कुछ नहीं सकते क्योंकि ऐसा जकड़ के रख लिया है। तो मैंने कहा इसमें आग तो लगा सकते हो, आग ही लगा दो, हनुमान जी की तरह से रावण की लंका एक बार जल जाए, कम से कम कहानी तो खत्म हो जाए। तो कहते हैं उतनी हिम्मत अभी तक नहीं आई है, आ जाएगी तो वो भी लगा देंगे। तो उनमें तो आने से रही क्योंकि वो तो फंसे हैं अपने स्वार्थ में। आप इसको तैयारी करो, एक ना एक दिन ये विदेश से आई हुई चिकित्सा पद्धति के तंत्र को ऐसे ही उखाड़ के फेंकना है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ के फेंका था हमने।